तुम्हारे पिता तुम्हारा मुख दर्शन करना चाहते हैं। आपका ही मैं हूँ लहू। महाराज, आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं? जिसने दिया नहीं देख सकते हम इस बच्चे का चेहरा। आप मेरे भगवान हो। तेरे पिता तेरी माँ से नहीं तुझसे घृणा करते हैं। तेरे कारण उन्होंने तेरी माँ को महल से बाहर निकाला था। इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? पिता और पुत्र के बीच की आग बिछोली, यही है गोर दुख। पिता ने नहीं देखा पुत्र का मुख। आप सच में मुझे देखना चाहते थे? हाँ पुत्र, तुम्हारे बचपन से हम तुम्हारा चेहरा देखना चाहते थे, पर हमारे डर ने हमें हमेशा रोक लिया। भगत का महाराज इतना कमजोर पड़ गया एक पिता बन के कि अपनी मृत्यु से डर गया और अपने पुत्र का चेहरा कभी नहीं देख पाया। पुत्र हमें क्षमा कर दो। नहीं, आप क्षमा मत मांगिए। नहीं 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 पिताजी, पिताजी ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या सच में ये अशोक की असली कुंडली है? जी महाराज, यही अशोक की असली कुंडली है। वो कुंडली जो आज तक आपके समक्ष नहीं आई, वो कुंडली जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाई, और ये आपके सबसे करीबी सलाहकार ने आपके साथ ये अपराध किया है। आज तक अशोक की असली कुंडली आपसे छिपा के रखी। अशोक की कुंडली में आपकी मृत्यु नहीं, संसार का सबसे बड़ा योग लिखा है, महाराजा योग लिखा है। अशोक के एक भाग्य में 100 भाग्य लिखे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो केवल आपके राज्य को ही नहीं, समस्त भारतवर्ष को उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जहां कोई राजा नहीं पहुंच पाया। भारतवर्ष का एक नया इतिहास रचेगा अशोक। महाराज एक दिन ऐसा आएगा कि वो केवल आपके राज्य मगध पर ही नहीं, सम्राटों का सम्राट, चक्रवर्तीन सम्राट बनेगा। यही अशोक की असली कुंडली है। आज तक जो कुंडली आपको बताई गई है, सुनाई गई है, वो सब झूठ है। आपके अपनों ने ही आपसे झूठ कहे, वर्षों से झूठ कहते आए हैं, और उसी झूठ को बार बार कहकर एक पिता को अपने पुत्र से अलग कर दिया। उसी झूठ को बार बार कहा कि वो झूठ
एक जहर बनके अशोक के हृदय में अपना स्थान बनाकर बैठा है। उस जहर के कारण महाराज अशोक प्यार शब्द का मतलब ही भूल गया, सबसे नफरत करने लगा। जीवन भर उसको तिरस्कार ही तिरस्कार मिला है महाराज, किंतु आज उसे आपकी आवश्यकता है, आपके प्रेम की आवश्यकता है महाराज। महाराज अशोक की सारी गलतियों को माफ कर दीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। पिताजी, पर मेरी असली कुंडली आपको आपको दी किसने? आचार्य चाणक्य ने दी। नहीं पुत्र, आचार्य चाणक्य ने हमें तुम्हारी असली कुंडली नहीं दी।